So in this video we will see the switch and the break statements. What is switch? Switch mein kya hota hai ki ek normal aap koi bhi variable agar define kar rahe the, for example a is equal to 5, then in that case you will give so many conditions, you can say cases aap keh sakte ho unko ki first case agar 2 hai, second case 3 hai, 4 hai, 5 hai, aise hi aap bahut sare cases bana sakte hain up to n jitne bhi aapko requirement ho. उनके अकॉर्डिंग जो है कोड एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल कि अगर आप कहते हैं कि जो वैल्यू और या तो आप एंटर करा सकते हैं यूजर से या फिर आप डायरेक्टली डिफाइन भी कर सकते हैं. केस अगर 2 है मींस अगर वैल्यू जो है 2 है, ये वेरिएबल जो है ये एक्चुअल वैल्यू है वो रहेगी, ठीक है, जो कि यहां पर वैल्यू है उसी को हम कंपेयर करा रहे हैं यहां पर कि केस अगर 2 है मींस जो वैल्यू है वो 2 है तो क्या प्रिंट करें या फिर क्या पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो. अगर ये फॉल्स हो जाती है तो इन दैट केस वो दूसरे केस पर जाएगा और केस को चेक करेगा केस की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेगा कि अगर वैल्यू 5 है तो यस द वैल्यू इज 5, तो उसके वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. अगर इन दोनों केस को अगर वो फेल कर देता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट एक और केस होता है, ठीक है, जिसको हम डिफॉल्ट केस बोलते हैं कि अगर कोई भी केस वर्क नहीं करे या फिर ट्रू नहीं हो तो उस केस में जो डिफॉल्ट है वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो. राइट, जैसे यहाँ पर हमने सिंटेक्स लिया है स्विच एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन आप कुछ भी दे सकते हैं. यहाँ पर सिंपली मैंने ए को डिफाइन किया तो हम ए इज इक्वल टू 5 यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. इन केस या फिर इसे पहले भी डिफाइन कर देते हैं, जस्ट आप पास करा सकते हैं कि पैरामीटर की ए की वैल्यू हम पास करा रहे हैं इसमें. सो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर क्लोज होगी. तो केस क्या है, यहाँ पर फर्स्ट जो है वैल्यू 1 मीन्स वैल्यू 1 2 हो सकती है, ठीक है. देन अगर वैल्यू 2 ये वाला केस जो है ट्रू होगा तो इन दैट केस ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. अदरवाइज यहाँ पर हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज किया है हर एक केस के बाद. ब्रेक क्या करता है, ब्रेक फोर्स करता है एग्जीक्यूशन को कि स्टॉप हो जाए और स्विच से बाहर आ जाए. क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा फर्स्ट वाला केस ही ट्रू हो जाता है तो उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर इसको ब्रेक करके सीधा बाहर लाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी केसेस चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट्स को हम रन नहीं करेंगे उस केस में ये ब्रेक हो जाए. अदरवाइज अगर ये केस फोर्स जाता है तो उस केस में ये डायरेक्टली केस 2 को चेक करेगा. केस 2 को चेक करने के बाद ये अगर ट्रू है तो इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और अगर इसके एग्जीक्यूट कर देता है तो ये ब्रेक करके स्विच से बाहर आ जाएगा. अगर तब भी ये फॉल्स जाता है तो उस केस में ये बाकी सभी केसेस को देखेगा, और अगर कोई भी केस जो है ट्रू नहीं जाता है तो उस केस में हमने एक डिफॉल्ट केस देते हैं, ठीक है. डिफॉल्ट के केस में जो भी स्टेटमेंट है वो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट होगी ही होगी, ठीक है, कि अगर कोई भी केस जो है ट्रू नहीं जाता है तो उस केस में वो एग्जीक्यूट होके अगेन हम ब्रेक देंगे. ब्रेक का मतलब क्या है कि अब फाइनली जो है स्विच से बाहर आना है, ठीक है, और बाहर वाली जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना है. राइट, ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड.